नमस्कार, स्वागत है आपका केकेआर न्यूज में। मैं आपके साथ पिंकी राठौर। आइए बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। 77वां स्वतंत्रता दिवस पूरे भारतवर्ष में हर्ष के साथ मनाया गया। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर के खजराना स्थित मदरसा जामाए दारुल उलूम में इंदौर शहर के शहर काजी जनाब काजी रेहान फारूकी साहब के नेतृत्व में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर भारत का नक्शा बनाकर कौमी तराने गए। इस मौके पर बच्चों ने अपने उस्तादों के साथ तिरंगा झंडा फहराकर अपने देश का मान बढ़ाया। देवास में भी शहरवासियों ने स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया। मुख्य कार्यालय पुलिस परेड ग्राउंड पर हुआ, जहां सांस्कृतिक मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने ध्वजारोहण करते हुए परेड की सलामी ली। शहर में भी कई जगह पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कई सामाजिक संगठनों ने राजनीति से जुड़े लोगों से ध्वजारोहण कर अपने देश प्रेम को प्रदर्शित किया। पार्षद बली धोसी के नेतृत्व में ईदगाह मरकज के सामने झंडा वंदन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि देवास विधायक गायत्री राजे पवार थी। शहर के प्रमुख व्यावसायिक केंद्र बत्ती बाजार में भी झंडा वंदन का कार्यक्रम सलीक शेख अपना के नेतृत्व में किया गया, जहां मुख्य अतिथि गायत्री राजे पवार बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय पंडित ने पहुंचकर ध्वजारोहण किया, साथ ही कबूतर उड़ाकर शांति का संदेश दिया। इस अवसर पर बच्चों दीवानगी दिखते ही बन रही थी। कई जगहों पर बच्चे तिरंगे कलर की वेशभूषा में सजे धजे तो कहीं फौजी कपड़े पहनकर तो कहीं ड्रम बजाकर तो कहीं राष्ट्रीय ध्वज हिलाकर अपनी खुशी का इजहार करते नजर आए। देवास से संवाददाता रईस कुरैशी की खास रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और हर वर्ष के आते से ही हमने इस देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में घर घर तिरंगा तिरंगा यात्रा इन सब कार्यक्रमों के तहत हमने हर जनमानस के दिल में इस देश के प्रति भावना जागृत करने की पूरी कोशिश की है। इस देश को एक अखंड देश अखंड राष्ट्र बनाकर एक बहुत ही विकसित राष्ट्र बनाकर हमने अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी पहुंचाने का काम किया है। इसी के साथ हर देवास के जनमानस को हृदय से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ और कामना करती हूँ कि सभी सुखी समृद्ध और खुशहाल रहें। ऐसी कामना के साथ जय हमारे बीच हमारे अतिथि मांगीलाल विजयवर्गी जी भी आ रहे हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। आदरणीय मांगीलाल जी विजयवर्गी, हम उनका भी स्वागत करते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं। हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार, हम रहे बर मंजिल हैं हमी काफ़िला सालार, हम रहे बर मंजिल हैं हमी काफ़िला सालार, हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार। आजादी की आवाज उठाई थी हमीने, अर रेशमी तहरीक चलाई थी हमीने, बापू की सदा ऊंची उठाई थी हमीने, इस मुल्क की तकदीर जगाई थी हमीने। सच पूछो तो भारत के, सच पूछो तो भारत के हमी लोग हैं मेहमान, हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार, हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार, हम रहे बर मंजिल हैं हमी काफ़िला सालार। अंग्रेजों से हम लोगों ने लड़ लड़ के लड़ाई, आजादी भारत के लिए जान गवाई, सीनों पे हमी लोगों ने गोली भी तो खाई, हर मार का देता है गवाही मेरे भाई। मत भूलो ये है वाकिया, मत भूलो ये है वाकिया नाकाबिले इनकार, हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार, हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार।
सद पारे दामान वतन किसने किया है, तामीर हसी ताज महल किसने किया है, मीनार कुतुब का ये बता किसने दिया है, ये लाल किला हमने दिया हमने दिया है, ये लाल किला हमने दिया हमने दिया है। शाहिद है हमारे कहीं शाहिद है हमारे कहीं मस्जिद कहीं मीनार, हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार, हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार, हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार।